हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो वेलकम टू अवर क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ अवर चैप्टर 4, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म. सो इन दिस वी आर हैविंग ए न्यूमेरिकल इन फ्रंट ऑफ यू विच इज टेकन फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ अवर एनसीईआरटी बुक. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.15 फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक. हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो चैप्टर 4 का क्वेश्चन है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म से. और क्वेश्चन जो है वो 4.15, उसको रीड आउट करके मैं बता देता हूँ आपको. ए मैग्नेटिक फील्ड जो है 100 गॉस की एक यूनिफॉर्म रीजन में हमको चाहिए ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10^-3 मीटर स्क्वायर. यानी कि अपन को जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस अमाउंट की जो रिक्वायर्ड है वो आपका 10 सेंटीमीटर के लगभग लीनियर डायमेंशन यानी कि 10 सेंटीमीटर के लगभग लेंथ में चाहिए और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस रीजन का इतना होना चाहिए जहां पर ये फील्ड यूनिफॉर्म है. जो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है किसी कॉयल की वो 15 एम्पीयर है जिस कॉयल के अंदर अपन करंट फ्लो कराएंगे. और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है जो आप लपेटा जा सकता है वायर को कोर के अराउंड वो 1000 टर्न्स पर मीटर मैक्सिमम है. यानी कि इससे ज़्यादा टर्न्स अपन पर मीटर में नहीं दे सकते. ठीक है, ये मैक्सिमम परमिसिबल जो है नंबर ऑफ टर्न्स बाइंड किए जा सकते हैं वो है. कोई आपको एक अप्रोप्रिएट डिज़ाइन पर्टिकुलर यानी कि अपनी मर्जी से आपको कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कुछ डिज़ाइन पर्टिकुलर्स बताने हैं. यानी कि सॉलिनॉइड जो डिज़ाइन हमको करनी है उस सॉलिनॉइड के पैरामीटर्स हमको डिफाइन करके देने हैं जिससे कि ये जो कंडीशन है वन गॉस फील्ड ऑब्टेन की जा सके 10 सेंटीमीटर के नियर बाई लेंथ में और 10^-3 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर. उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो आपको अपनी तरफ से देनी है. ये मान के चलना है कि कोर हमारा नॉन फेरोमैग्नेटिक है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन द एग्जाम्स इन विच वी हैव टू डिसाइड वाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए लुक ऑन दिस न्यूमेरिकल, जस्ट पॉज इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू हेयर इन दिस केस, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक. We will write the formula of magnetic field for the solenoid. That is B is equal to mu 0 n I. सबको याद होगा जो solenoid के केस में यानी कि solenoid को आप सब जानते हो इस टाइप का कोई भी कॉइल होता है इसको अपन solenoid कहते हैं. तो solenoid के अंदर जो एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका जो वैल्यू है वो फेयरली एक्सिस के अलॉन्ग कॉन्स्टेंट रहता है और उसका वैल्यू आता है mu 0 n I, where mu 0 आप जानते हो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है. इसकी वैल्यू सब जानते हैं 4π×10^-7 होता है. ठीक है, इसके बाद दिस एन इज नथिंग बट व्हाट इज दिस एन, दिस एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और ये आपका क्या है करंट. तो इन तीन चीज़ों को अपन इनका प्रोडक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है. तो इसमें वट एवर वैल्यूज यू नो यू पुट दिस, आप इन वैल्यूज को रख दीजिए तो आपको वैल्यूज रखने के बाद मालूम चलेगा मैग्नेटिक फील्ड जो हमको चाहिए 100×10^-4 जो टेस्ला है इतना एक्चुअली ये दिया हुआ 100 गॉस. तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी एमकेएस यूनिट है एसआई यूनिट वो अपनी टेस्ला होती है. तो 100 गॉस इज इक्वल टू कितना हो गया, वन गॉस इतना टेस्ला है तो 100 गॉस कितना हो गया 100×10^-4 टेस्ला. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड. म्यू जीरो आपको मालूम है वैल्यू 4π×10^-7 होती है. n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और I इज द वैल्यू ऑफ करंट, I इज नथिंग बट करंट. तो ये n नहीं मालूम और I नहीं मालूम, यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो n और I का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा. ये आ जाएगा आपका 100×10^-4 अपॉन 4π×10^-7. फाइनली यू विल सॉल्व इट, ये आ जाएगा 100×, अब ये आपका क्योंकि पावर्स में क्या होता है माइनस सेवन जब ऊपर जाएगा तो प्लस सेवन होगा. 10^7-4 दैट इज 10^3. तो 10^3 को अपन लिख सकते हैं 10^3 एंड डिवाइडेड बाई 4π. तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, दिस इज 1 लैख
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली 7955 के नियर बाई वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करनी है, क्योंकि सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का 3.14 के साथ और जो फैक्टर आएगा उसको अपन इसे डिवाइड करेंगे। उससे पहले आप पॉइंट को हटा लीजिएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं कैलकुलेशन। अगर इसका प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक रफली बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। 1 लाख जो आपका अमाउंट आ रहा है, इस 1 लाख को अपन को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, देन ये आपका हो जाएगा 4 1 4 5, देन 1 12, ये हो जाएगा आपका 1256। पॉइंट यहाँ आएगा, इस पॉइंट को हटाकर आप और 2 जीरो लगा सकते हो, यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा। तो अब अपन को डिवाइड करना है इसको रफली। आप चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, लेकिन वंस यू कैलकुलेट इट यू विल गेट द वैल्यू 7955 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8000। अब ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट की, वो 8000 है। अब हम जानते हैं कि घर के सर्किट के अंदर या घर के वायर्स के अंदर या होम टू डोमेस्टिक सप्लाई जो है हमारी, वो 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर जनरली वेरी करती है। आपको मालूम है घरों में जो करंट आता है और जो इंडस्ट्री में करंट आता है वो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक के लगभग नियर बाई रहता है। क्योंकि घरों में जैसे मान लेते हैं 4 एम्पियर या 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो इंडस्ट्री सप्लाई में 9 to 10 एम्पियर जनरली आ रहा है। तो जो हमारे लिए डिजाइन पैरामीटर है उसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम अगर लेना चाहते हैं तो 10 एम्पियर अपन ले सकते हैं। तो इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर, तो मुझे करंट अगर 10 लेना है तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 8000 upon 10, दैट इज 800। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे। क्या होंगे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं मानता हूं कि मुझे जो लेंथ चाहिए, टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर मुझे लेंथ चाहिए किसी कॉइल की, अगर मैं 1 मीटर की लेता हूं तो मुझे 800 टर्न्स चाहिए। अगर 1 मीटर लेंथ लेता हूं कॉइल का तो मुझे 800 टर्न्स चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आधा मीटर का कॉइल लेता हूं तो मुझे टर्न्स कितने चाहिए, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मीटर में अगर 800 टर्न्स है तो आधा मीटर में कितने हो जाएंगे, 400 टर्न्स। तो अगर मैं लिखता हूं n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ टर्न्स में लेता हूं कितना लेते हैं इसमें अपन 400 टर्न्स, तो मेरा कितना यूनिट कितना आ जाएगा, हाफ मीटर में। तो देखो कैलकुलेशन अपनी वही आ जाएगी फाइनली, आप समझ गए होंगे। मतलब एनी हाउ जो n की वैल्यू है वो कितनी रहनी चाहिए, 800 रहनी चाहिए। तो 1/2 जो है वो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो 800 देगा। तो अपन ऐसा ले सकते हैं, इट मींस मेरे लिए, क्योंकि मैंने यही वैल्यू क्यों लिया हाफ मीटर, क्योंकि मेरे लिए जो कॉयल है वो 1 मीटर की जो कॉयल होगी वो एक तरह से प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। तो प्रैक्टिकली अपन जो सोचेंगे तो हमारे पास आधा मीटर का जो कॉयल है वो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू दिखाई दे रही है। तो अब इसलिए मैंने इसको आधा मीटर माना है। अगर इसको आधा मीटर मानूंगा तो यहाँ क्या वैल्यू रखूंगा कि मुझे 800 ऑक्टेन हो जाए, तो वो मैंने सॉल्व किया है तो मुझे 400 मिल गया। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे अपन 400 टर्न्स, उसके बाद लेंथ जो ले रहे हैं अपन अपनी कॉइल की वो ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आधा मीटर लिया है, आधा मीटर 50 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको जो एरिया चाहिए किसी भी कॉइल का, एरिया क्रॉस सेक्शन, वो रफली 5 टाइम्स होना चाहिए, लगभग 4 से 5 गुना। क्योंकि यहाँ पे आप देख, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो भी देख सकते हो आप, ये 50 सेंटीमीटर, मुझे 10 सेंटीमीटर की लेंथ में मुझे यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए। तो लगभग ये लेंथ जो है उसकी 5 गुना ली गई है, तो लगभग आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 5 गुना लेंगे। तो मुझे कहा गया है कि यहाँ देख लीजिए आप, इसमें कैलकुलेशन में मुझे बोला गया है फाइनली कि मुझे 10^-3 m² एरिया में मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट फील्ड चाहिए। तो इसका 3 टाइम्स क्रॉस सेक्शन आप ले लो, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा, सॉरी 5 टाइम्स, इसका 5 गुना लगभग, तो 5 × 10^-3 m² आप कॉइल पे ले सकते हो। ऑल दीज आर द डिज़ाइन पर्टिकुलर्स, ये सारे क्या हैं आपके डिज़ाइन पर्टिकुलर्स। ध्यान रखिएगा अपन जो जो वैल्यूज हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमारे खुद के डिज़ाइन पर्टिकुलर हैं, वो हमने अपनी तरफ से दिए। सो आप इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। And that's all for this numerical. In the next video, I will take the other numericals of our NCERT textbook. Till then, have a nice day. Thank you very much.